Good morning, everyone. Continuing with our lecture, next जो हमारा point है, that is BSc online trading, bolt जिसे हम कहते हैं. तो जो BSc online trading है, वो established हुई थी 1995 में. First exchange है जो एशिया में सेटअप हुआ था. Online trading ने जो सिनेरियो है ट्रेडिंग का स्टॉक एक्सचेंज पे कंट्री में उसे चेंज कर दिया. अब आपको ब्रोकर्स की जरूरत नहीं है. इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, डेब्ट सिक्योरिटीज, जितनी भी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज हैं, आप उन्हें ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं. यहाँ पे सेम चीज़, वही चीज़ जो मैंने आपको बोली, वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होती है. दैट इज, जो इन्वेस्टर है, अगर उसे खुद ट्रेड करना है तो उसे रजिस्टर अपने आप को करवाना पड़ेगा ब्रोकर के पास, और फिर ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से वो आगे रजिस्टर होते हैं. जैसे इसके एग्जाम्पल्स में हम कह सकते हैं sharekhan.com, जैसे आप सुनते हैं. तो एफिशिएंट प्रोसेसिंग होती है, फास्टर एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स के होते हैं, ट्रेड के होते हैं, ट्रेडिंग कैपेसिटी स्टॉक एक्सचेंज की इंक्रीज होती है, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज रिड्यूस हो जाती हैं, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है, स्मूथ मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, वेरियस चेक्स और लिमिट्स हैं बेटर कंट्रोल के लिए, आपको ट्रेड डाटा मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिकली मीडिया के थ्रू, ब्रोकर को जो इंटरफेस यूज है, बैक ऑफिस जो है सिस्टम ब्रोकर का, उसे यूज करके. तो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम है जहाँ पे स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज की, जो उसके मेंबर्स हैं वो करते हैं. तो जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो बाय और सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज. जो एक्टिव मेंबर्स ऑल ओवर द कंट्रीज फैले हुए हैं बीएससी के, तो उनके थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स हैं, प्राइस और टाइम प्रायोरिटी पे मैच होते हैं. प्राइस और टाइम प्रायोरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सपोज एक बायर है, उसने ऑर्डर दिया अपना जो इलेक्ट्रॉनिकल मीडियम है उसके थ्रू, और जो एक सेलर है उसने भी अपना ऑर्डर दिया, तो जो मैच करेगा, कौन सा ऑर्डर पहले मैच करेगा, कौन सा ऑर्डर बाद में मैच करेगा, वो डिपेंड करेगा प्राइस के बेसिस पे और आपके टाइम के बेसिस पे. जैसे सपोज दो पर्सन्स ने सेम प्राइस पे दिया है, तो किसने पहले ऑर्डर दिया है उस टाइम के बेसिस पे उसका ऑर्डर मैच करेगा. तो ये पूरी चीज यहाँ पे होती है, और वही टाइमिंग्स हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, 9:15 से 3:30 का आपका टाइमिंग होता है, और ये पूरी कनेक्टिविटी होती है थ्रू VSAT, जो सैटेलाइट है उसके थ्रू होती है. और BSE ने लॉन्च किया था न्यू ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोल्ट प्लस नवंबर 2013 में. सेम मंथ में उसने लॉन्च किया अपना करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट्स का प्लेटफॉर्म, और अभी अगर हम प्रेजेंट बात करें तो 900 ब्रोकर मेंबर्स विद मोर देन 1 लाख ब्रांचेस जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहे हैं. जो आपकी यहाँ पे जब आप ऑर्डर्स को प्लेस करते हो, तो जो प्लेस आप ऑर्डर्स करते हो उनके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जैसे सपोज मैं इसको समझाने से पहले अगर हम यहाँ पे एक बात करें, कि सपोज जैसे आप अगर मार्केट में कोई सामान लेने गए, प्रोडक्ट लेने गए, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि एक दिन के अंदर मिलेगा तो ठीक है मैं लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा, या इस प्राइस पे मिलेगा तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा. तो उस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज पे भी होता है. जैसे टाइम कंडीशन है, डे ऑर्डर हो सकता है. डे ऑर्डर मतलब जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है, जैसे आपने कहा कि मैं इतना खरीदना चाहता हूँ, इतने प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, और आज खरीदना चाहता हूँ, अगर आज मिलता है मुझे उतना शेयर उस प्राइस पे तो ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा. या इमीडिएट, कि जो मर्जी प्राइस चल रहा हो इमीडिएट टाइम पे मुझे खरीद दो, या गुड टिल कैंसल, कि जब तक मैं ऑर्डर कैंसिल ना करूं तब तक उस ऑर्डर को आप एक्टिव मानिए. देन प्राइस कंडीशन हो सकती है, जैसे आप स्पेसिफिक प्राइस अगर दे देते हो, तो अगर वो स्पेसिफिक प्राइस अवेलेबल होगा तभी आपका जो ऑर्डर है वो ट्रेड होगा, अगर अदरवाइज नहीं होगा. क्वांटिटी की कंडीशंस आप लगा सकते हो, जो बायर और सेलर है, जैसे सपोज टोटल ऑर्डर 500 का है, 500 ना दिखा के आप यूज कर सकते हैं ऑप्शन की 100-100 के 5 जो ऑर्डर्स हैं वो आपको दिखा दें. देन नेक्स्ट है फास्ट ट्रेड OMS. ये फास्ट ट्रेड क्या है, ये फास्ट ट्रेड एक टर्मिनल है, स्क्रीन बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड मार्केट एक्सेस सॉल्यूशन है, जो डेवलप किया है मार्केट प्लेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने. 100% सब्सिडरी है BSE लिमिटेड की. यहाँ पे आपको रियल टाइम में ट्रेडिंग सॉल्यूशन मिलते हैं. रियल टाइम में मतलब जो भी बाइंग और सेलिंग हो रही है, जो भी प्राइजेस शेयर्स के हो रहे हैं, वो रियल टाइम में आप देख सकते हैं. रियल टाइम प्राइसिंग स्ट्रीमिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है. जो एक्सेस है आप फास्ट ट्रेड को कैसे कर सकते हैं,
EXC के थ्रू ये मोड अवेलेबल होता है जो हाई स्पीड ट्रेडर्स होते हैं उनको, इंटरनेट जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए. देन वेब बेस्ड ट्रेडिंग आप कर सकते हैं थ्रू ब्राउजर, और सारे कम लीडिंग ब्राउजर कंपैटिबल हैं. देन ट्रेड ऑन द मूव, आप मोबाइल से जो लाइव कोड्स हैं उनको देख के आप कर सकते हैं. और इसका बेनिफिट इसके मेंबर्स को क्या मिलता है, कोई प्रोक्योरमेंट कॉस्ट नहीं, जीरो सर्वर कॉस्ट, कोई लाइसेंस कॉस्ट नहीं, जीरो कैपिटल एक्सपेंडिचर और लो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है मेंबर्स के लिए. वेरियस बेनिफिट्स एंड क्लाइंट्स को मिलते हैं जब वो लॉगिन करते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, या कहीं पे भी एक्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बैठे इसको कर सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज ये आपको प्रोवाइड करवाता है. सिक्योरिटी यहाँ पे हम जिस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं वो आपका सेफ है, सिक्योर है. तो सिक्योर सॉकेट लेयर, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, IP बेस्ड लॉगिन रिस्ट्रिक्शन एक्सेट्रा जैसी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके थ्रू जो आप सेफली ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं. नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज टिक साइज. टिक साइज क्या होता है? टिक साइज होता है कि जैसे सपोज आपने ऑर्डर प्लेस किया बाय का या सेल का सेम सिक्योरिटी के लिए किया, तो आप सेम प्राइस के लिए दो ऑर्डर, सेम प्रोडक्ट के लिए आप दो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते सेम प्राइस पे. उनके बीच में जो डिफरेंस है प्राइस के बीच में वो होना चाहिए. पहले जो टिक साइज था वो 5 पैसा था, लेकिन लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को और ज़्यादा फाइनल रेट्स पे ऑर्डर पुट अप करने के लिए जो टिक साइज है उसे रिड्यूस कर दिया गया 1 पैसा इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स और जो भी सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही हैं F ग्रुप में. तो जो टिक साइज है वो पूरे मंथ के लिए सेम रहता है. देन है बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम. बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम में क्या है, सपोज कि आपने कोई एक सिक्योरिटी नहीं खरीदनी है, आपने डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में प्रोपोर्शन में आपने सिक्योरिटीज खरीदनी है, तो आप एक बास्केट बना के उसको ट्रेड कर सकते हैं. जैसे सपोज अंडर बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम कोई भी इन्वेस्टर है वो बाय और सेल कर सकता है S&P BSE सेंसेक्स की 30 सिक्योरिटीज को एक ही ऑर्डर में, जो भी प्रोपोर्शन में, जो भी उनका वेट है S&P BSE सेंसेक्स में. तो और आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको वही 30 सिक्योरिटीज रखनी है. आपने सपोज डिसाइड किया कि मुझे ए कंपनी की मैंने इन्वेस्ट करने हैं सपोज 1 लाख रुपीज़, और मैं चाहती हूँ कि उसमें ए कंपनी की 20,000 की सिक्योरिटीज़ हो, बी कंपनी की 50,000 की सिक्योरिटीज़ हो, और सिमिलरली अदर कंपनीज की सिक्योरिटीज़ हो. तो वो जो वेटेज है, वो जो कंपनीज़ हैं, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं, उनको आप डिसाइड यहाँ पे कर सकते हैं. देन आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जहाँ से क्वेश्चन आता है, दैट इज प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर. और ये जो टॉपिक है ये सेम जो हमने पीछे स्टॉक एक्सचेंज का जो चैप्टर पढ़ा है, हमने सेकेंडरी मार्केट का जो चैप्टर पढ़ा है वहाँ पे जो हमने प्रोसीजर पढ़ा था डीलिंग एट स्टॉक एक्सचेंज का, वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है. तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, मैचिंग ऑफ प्राइजेस, देन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एट स्क्रीन और कम्युनिकेशन एट ब्रोकर्स टर्मिनल, ट्रेड कन्फर्मेशन थ्रू मेल और इशूड बाय ब्रोकर, issuance of contract note, pay in of securities and funds and pay out of securities and funds. तो आप देखते हैं इनको डिटेल में. सबसे पहला placing of order. जो मार्केट है वो ओपन होती है मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 9:15 प्री ओपन सेशन होता है, और जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो शुरू होती है 9:15 से 3:30 PM के. एक इन्वेस्टर जिसने ट्रेड करना है वो रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू या सब ब्रोकर के थ्रू या अपने कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू वो ट्रेड कर सकता है. अगर वो खुद ट्रेड करना चाहता है तो उसे ब्रोकर, सब ब्रोकर की जो इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स हैं, मतलब जो वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर जाना पड़ेगा और उस पोर्टल के थ्रू वो ब्रोकर को कॉल करेगा कि इतना ऑर्डर मेरा प्लेस कर दीजिए किसी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए. और जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कंप्यूटर में, ऑर्डर पहले ब्रोकर के पास जाता है उसकी वेबसाइट के थ्रू, और ब्रोकर उस ऑर्डर को आगे फिर स्टॉक एक्सचेंज पर भेजता है. और इन सबसे पहले आपको ब्रोकर और सब ब्रोकर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके साथ मेंबर क्लाइंट एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसका क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा. वही चीज़ जो मैंने अभी आपको सिंपल वर्ड्स में स्टार्टिंग में चैप्टर के बताई कि अगर आप जैसे लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं तो आपको इंटरनेट, जब आप वेब पोर्टल पे जा रहे हैं आप ब्रोकर या सब ब्रोकर के, तो वहाँ पे आपको क्लाइंट और मेंबर का जो एग्रीमेंट है वो फिल करना
पड़ता है। उसके बाद जो क्लाइंट है वो अपना ऑर्डर जो प्लेस है सिक्योरिटीज का, जो भी उसे परचेज और सोल्ड करनी है उसे प्लेस कर सकता है। जो ऑर्डर्स है किस टाइप के हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, वही जो भी हम ऊपर बात कर रहे थे कंडीशंस जैसे आप लगा देते हो। तो सबसे पहला है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि मैचिंग यहाँ पे होगी बाय और सेल ऑर्डर्स की अवेलेबल बेस्ट प्राइस पे, जो भी वहाँ पे बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा। अब बेस्ट प्राइस का मतलब क्या है? बेस्ट प्राइस सेलर के लिए बेस्ट प्राइस कौन सा होगा? जो हाईएस्ट प्राइस होता है। और बायर के लिए बेस्ट प्राइस कौन सा होगा? जो लोएस्ट प्राइस होता है। तो जो मार्केट ऑर्डर्स हैं वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट किए जाते हैं, प्राइस गारंटेड नहीं होता है। मार्केट ऑर्डर का मतलब कि आप फटाफट खरीद लो इमीडिएटली, प्राइस क्या है जो इमीडिएट प्राइस चल रहा है उसी पे खरीद लो। देन नेक्स्ट इज योर लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में आप मेंशन करते हैं जो भी आपका बाइंग और सेलिंग प्राइस है उसे हम लिमिट ऑर्डर कहते हैं। ये एग्जीक्यूट सिर्फ जो आपने स्पेसिफाइड प्राइस अगर अवेलेबल है तभी एग्जीक्यूट किए होगा। देन स्टॉप ऑर्डर, यहाँ पे आप कंडीशन लगा देते हो, यहाँ पे आप रेंज देते हो। सपोज आपने रेंज दिया 10 to 15, तो अगर जो प्राइस है शेयर का वो 10 to 15 के बीच में है तो आप परचेज या सेल कर रहे हो। अगर वो 15 से ज़्यादा चला गया तो आप परचेज या सेल नहीं करोगे। देन नेक्स्ट इज योर मार्केट प्रोटेक्शन ऑर्डर। जो इन्वेस्टर है वो या क्लाइंट है वो स्पेसिफाई कर सकता है कि कितना डेविएशन हो सकता है करंट प्राइस जो चल रहा है उससे। जैसे सपोज आपने कहा कि करंट प्राइस जो भी चल रहा है उससे 10% आप ले लो, कि अगर 10% ऊपर नीचे होता है तब तो खरीद लो, अदरवाइज कैंसिल समझा जाए ऑर्डर को। देन ये था पहला स्टेप आपका जहाँ पे आप प्लेस करते हो ऑर्डर्स को। नेक्स्ट है आपका मैचिंग ऑफ प्राइसेस। जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया बाइंग और सेलिंग का, इमीडिएटली एक्सचेंज के पास वो ऑर्डर चला गया और जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली प्राइस और टाइम बेसिस के ऊपर उसे मैच करेगा। अगर मैच कर गया तो आपका ट्रेड हो गया, तो आपको कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है। ऑर्डर जो आपका है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। जो भी स्टॉक आपने खरीदे हैं ब्रोकर से, अगर ब्रोकर से खरीदे हैं तो आपको कंफर्मेशन स्लिप जिसमें मेंशन होगा क्वांटिटी जो भी आपने खरीदी या बेची है प्राइस के साथ, और जो सोल्ड अगर आपने ईमेल ऑनलाइन किया है तो ईमेल आपको बायर और सेलर का जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर वो कंफर्मेशन ऑर्डर का आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इन्वेस्टर्स के लिए जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं। लीगल रिकॉर्ड होता है कि आपकी ट्रांजेक्शन एक ब्रोकर ने की है। यहाँ पे जो भी आपकी ये ट्रांजेक्शन हुई है उसकी डिटेल्स आपको राइटिंग में मिलती है। वैलिड बिल इसको कहा जाता है, एविडेंस है की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए। और जब आपका ट्रेड हुआ है तो उसके विद इन 24 आवर्स आपको ये इशू हो जाती है। एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो आपको एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर जनरेट होगा, प्रिंट होगा कॉन्ट्रैक्ट नोट पे। कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर्म ए जो है उस पर प्रिंट होगा, ब्रोकर करेगा और आप जो इन्वेस्टर है उसको हैंड ओवर कर देगा। और इसमें आपकी क्या क्या कंटेंट्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट नोट में, नेम, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस मेंबर ब्रोकर का, नेम प्रोप्राइटर का, पार्टनर का, ऑथराइज सिग्नेटरी का, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑफिस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, कोड नंबर ऑफ ब्रोकर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, डेट ऑफ इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट की, सेटलमेंट नंबर, टाइम पीरियड फॉर सेटलमेंट के साथ, क्लाइंट का नेम कोड नंबर के साथ, ऑर्डर नंबर, टाइम ऑफ ट्रेड, क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटी जो भी आपने खरीदी और बेची है, काइंड ऑफ सिक्योरिटी जो भी क्लाइंट ने खरीदी और बेची है, ब्रोकरेज, परचेज या सेल रेट, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, सर्विस टैक्स रेट, सिग्नेचर स्टॉक ब्रोकर के, और ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपके पास मेंशन होगी। देन नेक्स्ट आता है आपका स्टेप डिलीवरी ऑफ शेयर्स और पेमेंट टू ब्रोकर। जब शेयर्स आपने बेच दिए तो आप जो इन्वेस्टर है वो हैंड ओवर करता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप ब्रोकर को और वो ट्रांसफर करता है शेयर्स पे इन डे पे। सिमिलरली जो बायर्स है वो पेमेंट करता है पे इन डे से पहले। देन नेक्स्ट आता है आपका पे इन ऑफ सिक्योरिटीज बिफोर T+2 डे, वही सेटलमेंट डे में जो है आपका रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम जो है उसके अंडर पे इन डे, जहाँ पे जो ब्रोकर्स है उसे पेमेंट देनी है और डिलीवरी जो सिक्योरिटीज की एक्सचेंज को करनी है, एक्सचेंज को करनी है, क्लियरिंग हाउसेस को करनी है, दूसरी पार्टी को नहीं करनी है, यहाँ पे क्लियरिंग हाउस को आपको डिलीवरी करनी है। देन पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड्स ऑन T+2 डे, पे आउट मतलब जो भी पेमेंट का और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज का एक्सचेंज है। पे इन और पे आउट को इस तरीके से समझिए कि एक क्लियरिंग हाउस बीच में है, ए पर्सन है, बी पर्सन है, ए पर्सन ने अगर शेयर्स खरीदे हैं तो
वो पेमेंट देगा क्लियरिंग हाउस को, और बी इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.